ईरान इसराइल हिजबुल्ला हमास ये लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ऐसे में लगता नहीं कि कोई बीच का रास्ता या कहीं पर कोई सीज फायर की उम्मीद दिखाई दे रही है ईरान किस तरह से अटैक करेगा और अब तो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि रूस ईरान के पीछे अब एक वॉल बनकर खड़ा हो गया है ये वॉल किस तरीके का ईरान को मिलने जा रहा है रूस की तरफ से किस तरह से वो इसे प्रोटेक्ट करेगा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मयंक जुड़ गए हैं मयंक ये जो पूरी लड़ाई है आप ये कहे कि अब यहाँ पर कोई सीज फायर दिखाई नहीं दे रहा कोई बातचीत के बीच का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है अब तो सिर्फ यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही है जंग जंग और जंग बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप और इस पूरे वॉर में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता दिखाई दे रहा है कि रूस ने पुतिन ने जो है वो ईरान को अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम एस फोर हंड्रेड वो दे दिया है ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि काफी सारे एस फोर हंड्रेड सिस्टम्स जो है वो रूस ने ईरान को दिए हैं देखिए एस फोर हंड्रेड जो है ये जैसे इसराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम उसी तरह से ये एस फोर हंड्रेड जो है ये रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और नीलू ये बहुत एक्यूरेट होता है अगर आपकी सीमा के अंदर किसी भी तरह का वॉर प्लेन फाइटर प्लेन अंदर आता है या किसी भी नहीं करता बल्कि कर मतलब अगर हम सरल शब्दों में अगर समझें तो जैसे इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है किसी भी तरह की जब मिजाइल या रॉकेट्स अंदर आते हैं हिजबुल्ला के तो आयरन डोम उसे खत्म कर देता है बिल्कुल ऐसे ही अब ये सिस्टम एस फोर हंड्रेड ईरान एक्यूरेसी बहुत, बहुत जबरदस्त है अब ये ईरान के कई आ... पोर्ट्स पे ऐसा बताया जा रहा है कि जो एयर बेस है वहाँ पे जो पोर्ट्स है वहाँ पे और कई जगह न्यूक्लियर प्लांट्स के आसपास एस फोर तैनात कर दिए गए हैं अब इसका मतलब ये है कि अगर इसराइल की तरफ से कोई भी फाइटर जेट ईरान की सीमा में दाखिल होता है या कोई मिज़ाइल अमेरिका की दाखिल होती है तो ये एस उसको तुरंत डिटेक्ट करेगा और उसको वहीं पर निस्तनाबूद भी कर देगा तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे वॉर में अब ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है हथियारों के लिहाज से देखिए नीलू इस पूरे एरिया में जो है वो अभी डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुआ, है। हुआ लेकिन एक हथियारों की बहुत जबरदस्त जो है वो कंपटीशन शुरू है कि किसके पास कितने हथियार हैं तो ऐसे हालात में ये जो मेंंड्रेड है ये ईरान का ईरान को मिलना रूस की तरफ से ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है और बहुत मतलब इससे ईरान को एक बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है इसराइल और अमेरिका के खिलाफ यानी अब कहा जा सकता है कि अगर इसराइल के पीछे अमेरिका है तो अब ईरान के पीछे रूस बिल्कुल खड़ा हो गया है अपने हथियार ईरान को दे रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका यह कहता है कि अगर इसराइल पर हमला होता है तो वो इसराइल की मदद करेगा तो दूसरी तरफ रूस है अब ऐसे में बैंक जरा ये बताइए चूंकि अब हथियारों का आदान दान हो रहा है एक तरफ से अमेरिका इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है दूसरी तरफ से रूस दे रहा है आपको ईरान को उसे प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसे में अब ये हम मान के चले कि जो लोग अब तक मारे जा रहे भले ये प्रॉक्सी वॉर क्यों ना हो लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर लोगों की जान ले रहा है और शांति की उम्मीद अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है और यहां से अब ये और आगे माहौल टेंशन भरा होगा बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक क्या ठीक कहा कि देखिए पीस प्रोसेस जो है वो अभी किसी तरफ आगे किसी कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ती नहीं दिख रही है और आप देखिए कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है इसको अमेरिका ने एक छावनी में तब्दील कर दिया है अगर आप देखें मैं आपको कुछ बताता हूँ जैसे जो भूमध्य सागर है इसमें जो है यू एस एस आर्लेबर्ग यू एस एस जॉर्जिया यू एस एस रूजवेल्ट ये वो वॉरशिप्स हैं जो अमेरिका ने भेज रखे हैं अब आगे देखिए जैसे रेड सी है लाल सागर है वहां पे यू एस एस कोल है स्वेस कैनाल में यू एस एस बल्केली है ये हम आपको वो वॉरशिप्स बता रहे हैं जो कि अमेरिका ने ईरान के आसपास लगा रखे हैं जैसे ओमान की खाड़ी है वहां पर यू एस एस रसल्स है माइकल मर्फी है डेनियल है और इसी तरह से इनॉय और यूएसएस एस मैकेन तो आप देखिए ये ईरान के आसपास अमेरिका ने अपनी पूरी आ, कहते हैं कि करीब 50 परसेंट नेवी जो है फोर्स वो पूरी यहां पे उतार रखी है तो आप इससे अंदाज लगाइए कि इस पूरे क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पर हथियार और बारूद जमा है रूस ने ईरान को अगर एस फोर दिया है है तो उसमें फिर ये भी माना जा रहा है कि आ, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ये सुनिश्चित कर रखा है कि अगर ईरान की तरफ से कोई मिजाइल फायर हुए इसराइल पे तो उसको भी हर हालत में जो है उसको रोका जाए उसका जवाब दिया जाए दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो चीन रूस ये सब मदद कर रहे हैं ईरान की हथियारों के मामले में तो आप देखिए मिडिल ईस्ट पूरा जो है वो एक हथियारों के जखीरे पे बैठा हुआ है बैठा हुआ है और सबसे बड़ी बात है चूंकि पीस जो हो रहा था इस वक्त बातचीत चल रही थी शांति वार्ता की लेकर उसे लेकर भी अब सवाल उठने लगे हैं और उसमें भी अमेरिका की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं वार हो और उसके बाद वो पलटवार करे ताकि ये ना हो कि हमने तो भाई पीस की बातचीत की थी लेकिन ईरान की तरफ से अगर हमला होता है तो फिर हम पीछे नहीं हटेंगे इस तरह की मंशा है इस तरह जानकार ये भी बताते कि अमेरिका इसी चीज का वेट कर रहा है कि आगे आने वाले समय में उसका नाम खराब ना हो उस पर बातें ना आए देखिए ये जब पीस प्रोसेस की बात हो रही है आप देखिए इसकी इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आ, ऐसा लगता है कि पीस प्रोसेस किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं बढ़ता दिख रहा है एक तरफ जो है वो इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन याहू वो कह रहे हैं कि हमास के ऊपर जिम्मेदारी है पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की दूसरी तरफ हमास का कहना ऐसा है और ईरान का कहना ऐसा है रूस भी अब ये बात कह रहा है कि भाई पीस प्रोसेस इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि अमेरिका और इसराइल हर बार जो है अपनी तरफ से कोई शर्त लगा देते हैं तो एक प्रकार से देखिए ये एक बड़ा

उसमें इसके अलावा जो कच्चा तेल है उसकी उसकी भी काफी ज्यादा भंडार है ऐसे में वहां से इजराइल आर्मी हटना नहीं चाहती और यहीं पर बात आकर थम जाती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ईरान ये समझ चुका है अभी देखिए वो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है या बम बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान लेकिन इसके बावजूद ये सब कर रहा है बल्कि अमेरिका उस पर कितना ज्यादा दबाव बनाए हुए है एक तरह से कहेगी कि बहुत सारे सेंशन उस पर लगे हुए हैं उसे लगता है कि कुछ और लगा भी दिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल नहीं होगा क्योंकि इससे पहले हमने रशिया में भी देखा था कि सैंक्शन लगे थे लेकिन तेल भारत ने भी खरीदा था तो ऐसे में वो बिल्कुल एक तरह से ये है कि आप कितने भी सेंक्शन लगानो हमें जो करना है हम करेंगे ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए सेंशन लगाने का मामला है तो अब ये बात एकदम साफ है कि ईरान अब इस बात से बिल्कुल ज़्यादा चिंतित नहीं दिख रहा है कि हाँ। अगर अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज उसके ऊपर किसी तरह के सेंक्शंस लगाती हैं तो उससे डर के जो है वो अपने कोई प्रोग्राम रोकेगा हाँ। अब वो स्टेज से हम बाहर आगे निकल चुका है ईरान तो देखिए कुल मिला के मामला यह है कि ये बात ईरान भी अच्छी तरह समझ रहा है रूस भी अच्छी तरह समझ रहा है कि भाई कच्चे तेल की सबको जरूरत है सेंक्शन आप लगाएं चाहे ना लगाएं कच्चा तेल तो बिकना ही है जो स्थिति इस वक्त है टेंशन में है अगर ईरान को हमला करना है या हिजबुल्ला को हमला करना है या इसराइल को हमला करना है तो यानी वो हमले होंगे इन सब चीजों को लेकर रुकने वाला नहीं है वो देखिए अब ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सेंशन या इंटरनेशनल दबाव जो हाँ। है ये अब उस समय इतना बहुत ज्यादा काम करता नहीं दिख रहा है वहां ये जरूर है कि अगर कोई कूटनीतिक सोल्यूशन निकल आए कूटनीतिक हल इस पूरे मामले का निकलता दिखाई देता है तो वहां पर थोड़ी सी उम्मीद है लेकिन ने भी एक चिट्ठी लिखी पुतिन ने यूएन में शायद कोई चिट्ठी लिखी है देखिए ये कहा जा रहा देखे? है कि आ, रूस की तरफ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव रखा गया है और नहीं। नहीं। उसमें ये कहा गया है कि भाई ये जो पीस प्रोसेस है इसमें इस ये आगे नहीं पढ़ पा रहा है इसकी बड़ी वजह अमेरिका है ऐसा रूस ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है कि अमेरिका के अपने इंटरेस्ट के चलते जो है वो इस पूरे एरिया में जो पीस प्रोसेस नहीं हो पा रही है और इसमें यू सिक्योरिटी काउंसिल को हस्ताक्षेप करना चाहिए लेकिन अभी आप देखिए जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि इस पूरे इलाके में अब जो जिस तरह से हथियार हैं है ना एक हथियारों की एक रेस से छिड़ी हुई है ईरान को चारों तरफ से अमेरिका घेर के बैठा हुआ है दूसरी तरफ ईरान लगातार अपने जो है वो वॉर मोड में तैयार है रूस उसकी मदद कर रहा है तो ऐसी स्थिति में देखिए अभी क्या हुआ कि ईरान ने अपना जो एयर स्पेस है उसका जो पश्चिमी इलाका है उसके एयर स्पेस को बंद कर दिया जैसे ही ये एयर स्पेस को बंद करने की कोई भी कंट्री जब एयर स्पेस बंद करती है तो वो थोड़ा सा एक अलार्म की तरह जाता है क्योंकि कभी भी कोई भी जब बड़ा हमला होता है वॉर होता है तो उसमें पहली शर्त ये होती है कि वो कंट्री अपना एयर स्पेस बंद करती है तो ईरान ने जैसे ही अपना एयर स्पेस बंद किया अमेरिका में इसराइल में अचानक ये पैनिक हुआ कि भाई ये वॉर हो सकता है ईरान कोई बड़ा हमला करने जा रहा है तो इसको लेके पिछले अड़तालीस घंटे से अमेरिका और मुसाद इसराइल और जो सहयोगी देश हैं उनकी नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि कहीं कुछ बड़ा हमला तो नहीं करने जा रहा तो एक चीज तो यह हो गई दूसरी एक बड़ी चीज यह है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अगले कुछ दिनों में अपने चौदह पंद्रह सेटेलाइट लॉन्च कर सकता है तो ये स्पेस की दिशा में ईरान की तरफ से जो है एक बड़ा कदम माना जा रहा है तो ऐसे में देखिए कि अब ये वॉर जो है वो मिजाइल्स भी हैं इसमें स्पेस फैक्टर भी इन्वॉल्व है तो अब ये पूरा जो एक प्रकार से एक बड़े युद्ध की तरफ धीरे धीरे ही सही भले वॉर अभी नहीं है लेकिन वो कहते हैं ना कि क्लॉक टिक टिक कर रही है तो वो एक बड़े युद्ध की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा दिखाई देता है और सबसे बड़ी बात है कि पहल कौन करे इसका भी इंतजार है ये कि, कि आखिर कौन पहल करेगा किसके जिम्मे कहते हैं कि आपको जिम्मेदार ना ठहराया जाए इसीलिए सब अपनी अपनी तरफ से चुप है लेकिन अपने अपने हथियारों को बिल्कुल ताने हुए हैं एक दूसरे पर प्रॉक्सीज लगातार वार कर रहे हैं अब ये जो युद्ध है वो कहाँ पर जाता है क्योंकि ये छोटे छोटे युद्ध ही बड़े युद्ध का रूप लेंगे लेकिन जो छोटे युद्ध हैं वो किस तरफ जा रहे हैं किस तरफ से कैसे आगे हमला होता है इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी आप बने रहिए हमारे साथ